हेलो एंड वेलकम टू चैनल फ्रेंड। तो आज हम बात करने वाले हैं 2020 का मॉडल है टाटा टियागो, तो उसमें सीएनजी किट लगाया है, तो हम बात करेंगे पूरी डिटेल के साथ। तो उसमें सीएनजी किट में कौन सा पार्ट्स आते हैं, कौन सा पार्ट किधर लगता है, पोजीशन कौन सी होती है, लोकेशन कैसी होती है, सिलेंडर लगवाने के बाद पीएस बचती है नहीं बचती, बैग रहेंगे नहीं रहेंगे, सब डिटेल के साथ हम बात करेंगे। तो हम इंजन रूम से स्टार्ट करते हैं, तो इंजन रूम से शुरुआत करते हैं। तो ये दिख रहा है पूरा इंजन रूम, ये इंजन रूम है पूरा। तो हम बात करेंगे ईसीएम के साथ, तो ईसीएम सभी वायरिंग को उसके अकॉर्डिंग कंट्रोल करता है, सीएनजी वाले सभी वायरिंग को। तो आगे हम बात करें तो इधर है फिलिंग वॉल, फिलिंग वॉल का काम है गैस रिफिल करवाना। और आगे हम बात करें तो रिड्यूसर है, ये दिख रहा है रिड्यूसर, सिलेंडर से आने वाली हाई प्रेशर गैस को लो प्रेशर में कन्वर्ट करता है। उसके बाजू में सोलेनोइड कॉइल स्विच सभी कुछ भी कह सकते हैं। और आगे हम बात करें तो ये है फ्यूल इंजेक्टर, फ्यूल इंजेक्ट का काम है इंडिविजुअली मैनिफोल्ड में पंप करना, उससे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है, गाड़ी में स्मूथनेस मिलती है। तो हम आगे बात करेंगे गाड़ी के अंदर जाकर और उसमें आरपीएम कितने सही है नहीं सही है, सीएनजी में आने के बाद कोई इंजन लगवाने के बाद कोई लाइट आ रही नहीं आ रही, सब हम चेक करने वाले हैं। तो गाड़ी स्टार्ट है, आरपीएम भी सही है, एसी भी चालू है और ये सीएनजी में ही गाड़ी है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी में कोई लाइट भी नहीं है, सभी चीज़ बराबर है, सभी चीज़ सही है। तो हम सिलेंडर लगवाने के बाद कितनी बैग रहेगी नहीं रहेगी हम पीछे डिक्की में देखने वाले हैं। तो 12 केजी का टैंक है उसमें, तो हम डिक्की खोलते हैं। ओके ठीक है, 12 केजी का टैंक है, स्पेयर व्हील खड़ा रहेगा और पेज सही है, इतना भी बुरा नहीं है, दो तीन बैग आराम से रह सकते हैं बड़े वाले और सही है। 12 केजी का टैंक है, इधर भी कुछ नहीं इतना, उधर टैंक वॉल है, उसमें पाइप का फिनिशिंग बनाया हुआ है, सभी सही है। तो गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। जय हिंद जय भारत।